ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं हेलीपैड पर उतरने के लिए तैयार हो चुका है। बस थोड़ी ही देर में ये हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतर जाएगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। बस थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स भी तैनात है। लगातार यहाँ पर चेकिंग के बाद ही सभी कार्यकर्ता या आमजन यहाँ पर अंदर उपस्थित हो रहे हैं। और ठीक आप देख सकते हैं, वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सहारनपुर ज़िले में पतंगबाजी पर रोक लगा दी गई है। ये पतंगबाजी ठीक सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक रोक लगाई गई है। और हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतर चुका है और इसी हेलीपैड के अंदर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी जनसभा स्थल पर पहुँचेंगे थोड़ी ही देर में और जनसभा को साधेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के रिमाउंट डिपो के उस मैदान में, जहां पर थोड़ी ही देर में देश के प्रधानमंत्री व सीएम योगी आदित्यनाथ जी जनसभा को संबोधित करेंगे और वेस्ट यूपी को साधेंगे। यहां पर कार्यकर्ता या आम जन कहें, यहां पर पहुंच चुके हैं समर्थक भी सभी के सिर पर, और यहां पर गले में आप भाजपा की टोपी भी देख सकते हैं और गले में ये रुमाल भी देख सकते हैं। लोगों से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं किस तरह का माहौल है यूपी का। यहां पर और भी लोग मौजूद हैं, यहां से शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो किस तरह का माहौल है। क्या नाम है आपका? गौरव कक्कड़ नाम है मेरा। बहुत अच्छा माहौल है यूपी में। 325 सीटें भाजपा की आ रही हैं, इसमें किसी को भी कोई आशंका की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समाज हित में काम कर रही है, हिंदुत्व में काम कर रही है और निश्चित है 325 सीटों प्लस हम जीत रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्या लग रहा है सहारनपुर जिले को, कितना प्रभाव? हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पहुँच रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर, नाम क्या? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की लहर नहीं है, सुनामी है। सुनामी इस बार फिर हम 300 पार जा रहे हैं। जो मैं ये देख रहा हूँ ना, पूरे प्रदेश के अंदर जो जन समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को लाने की इच्छा है प्रदेशवासियों में, वो सुनामी के रूप में तब्दील हो चुकी है। भारत माता की जय। हम यहाँ से मामचंद पांचाल सहारनपुर की सीट के लिए इतना बोल सकता हूँ, चांद सितारे चाहे छोड़ दे अंबर, चांद सितारे चाहे छोड़ दे अंबर, रास्ता बदल दे चाहे समंदर, आएगा ना किसी का नंबर, जीतेंगे अपने राजीव गुंबर, जीतेंगे अपने राजीव गुंबर। भारत मैडम, मैं राजीव भटनागर बूथ अध्यक्ष बुधेश्वर मंडल से। योगी मोदी जी ने जो मैडम योगी मोदी जी ने जो काम किया वो आज तक किसी सरकार ने किए नहीं किए हैं। योगी मोदी जी ने इतने कार्य किए हैं कि अब लेडीज को आवास दिलवाई, जैसे कि फ्री राशन देना महीने में 2-2 बार, गरीबों का ख्याल रखना। अखिलेश कहते हैं कि आदत डलवा रहे हैं, बुरी आदत है फ्री राशन लेना। अड़ी अखिलेश जी ने जो गुंडागर्दी करी, अखिलेश जी ने जो सामाजिक लोगों के लिए जो कार्य नहीं किए वो योगी मोदी जी ने किए हैं। गुंडा राज योगी मोदी जी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लड़कियां भाई बहनें हमारी बिल्कुल सुरक्षित आराम से निकल सकती है, चाहे रात के 12 बजे निकलें। और माफिया दे रहे, मैं अनुपम गुप्ता जिलाध्यक्ष लघु उद्योग भारती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में इंडस्ट्रीज के लिए जो कार्य किए हैं वो आज तक नहीं हुए। जो समाज देखिए, जीएसटी का जो मैटर है वो केंद्र का मैटर है, अगर आय नहीं होगी तो व्यय कहाँ से होगी। 2 साल से हम लोग लगातार कोरोना में उलझे हुए हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, इतनी स्कीम्स दे रहे हैं, उसके लिए आय भी चाहिए हमें। तो क्या लग रहा है आ रही सरकार? 110% 325 पार हो गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 325। हाथी चलेगा, चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, लेकिन खिलेगा कमल का फूल। क्यों नहीं जा रहा है अमित छाबड़ा? आप ये बताओ, यूपी में इलेक्शन है, यूपी में अखिलेश नोएडा 6 साल से नहीं गया, किस चीज का इलेक्शन लड़ रहा है वो यूपी में? तो यूपी से लड़ रहे हैं चुनाव तो क्या लगा? तो उनको हर स्टेट में, आप योगी जी को देखो 20 बार नोएडा गए, अखिलेश क्यों नहीं गया? और जितना काम कोरोना में योगी जी ने कर दिया, कोई और सरकार होती तो सड़कें लाशें सड़कों में बिछा देते। आप ये बताओ, जितना काम योगी जी के टाइम में, आप पहले दिल्ली जाने में 8 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे में आदमी दिल्ली पहुंच जाता है। अशोक सैनी मेरा नाम है, डाला चोरा गांव है। प्रत्याशी कौन है, मुकाबला किसका है? मुकाबला हमारे जगपाल का है, मोदी का है, योगी का है, योगी का विधानसभा क्षेत्र छोटनलाल कश्यप
भाजपा जीतता की और हमारे हिंदा जीतता का जगपाल गलेड़ी पे हरौड़ा क्षेत्र सपा भी टक्कर में सफा भी टक्कर में कुछ नहीं है अगला पंचर हो जाएगा सगिल का उनका कुछ नहीं है पंचर लड़ने का भी नहीं कुछ नहीं है आपका ऐसा भी भाजपा भाजपा के भाजपा ने मैं कहूंगा विकास पे सुरक्षा पे वोट दे पंजाबी भारत माता की जय हो नीचे धरती ऊपर गुंबर जीतेगा राजीव गुंबर सपा की 100 सीट नहीं आगी 300 योगी सरकार योगी की 300 सीटें आएंगी ठीक है और योगी की सरकार बनेगी आप देख लेना 10 तारीख को योगी की सरकार बनने जा रही है और सारी की सारी जो है ना वेस्ट यूपी में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे बाकी पूरा पूरा पूर्वांचल और धर्म सिंह सैनी ने भाजपा छोड़ दी इमरान मसूद सपा में चले गए तो क्या लग रहा है भाजपा को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी मशक्कत थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन इमरान मसूद की वजह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन फिर भी जीतेंगे सारी की सारी सीटें जो है ना इधर की सहारनपुर की सब बीजेपी पे जाने वाली है और योगी की सरकार बनेगी पूरे यूपी में योगी सरकार बनेगी और 300 सीट आएंगी इंशाल्लाह।